सर्दियों के मौसम में फूलगोभी, जिसे इंग्लिश में कैलीफ्लावर बोलते हैं, वो मार्केट में मिलना शुरू हो जाता है। फूलगोभी की सब्जी काफ़ी टेस्टी होती है, साथ ही सेहत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। फूलगोभी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस अच्छी मात्रा में होता है। फूलगोभी में विटामिन ए, बी, सी और पोटेशियम भी पाया जाता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए फूलगोभी खाना काफ़ी नुकसानदायक होता है। ऐसे में अगर आपको ये बीमारियाँ हैं तो आपको फूलगोभी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन सी समस्या होने पर फूलगोभी को नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखें ताकि हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। और अगर आप लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रणधीर, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों वो पहला समस्या है पाचन संबंधी समस्या। पाचन संबंधी समस्या होने पर फूलगोभी का यूज यानी सेवन नहीं करना चाहिए। फूलगोभी खाने से पेट में गैस बनती है। फूलगोभी में रेफिनिज होता है जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। कुछ लोगों का शरीर इसे संभाल नहीं पाता जिससे एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हैं तो आपको फूलगोभी का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों दूसरा प्रॉब्लम है, दूसरा है वो है थायराइड की समस्या। अगर आप लोगों को थायराइड की समस्या है तो फूलगोभी का सेवन नहीं करना चाहिए। इसे खाने से आपका T3 और T4 हार्मोन बढ़ जाता है। और तीसरी समस्या है पथरी की समस्या यानी स्टोन की समस्या। अगर आप लोगों को किडनी में स्टोन है तो आप लोगों को फूलगोभी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फूलगोभी में कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होता है, इसके सेवन से यूरिक एसिड की समस्या और बढ़ सकती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।